हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, होंगे। और अभी शाम का टाइम है और मैं अभी बाबू को पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते पढ़ाते फिर मेरे को ध्यान आया कि मुझे कंघी करनी है, क्योंकि सुबह मैंने आज सर धोया था, तो सर धो के धूप में बाल को मतलब सुखा लिया था और मतलब कंघी की थी गीले बालों में ही। उसके बाद फिर ऐसे क्लच लगा रखी थी तो बाल उलझ गए थे थोड़े से, तो मैंने कहा चलो अब सुलझा लेती हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम भी है। तो बाल कटिंग की, उसके बाद मैंने आज लगता है सेकंड टाइम हेयर वॉश किया है, तो अच्छे से कटिंग हुई नहीं है बालों की, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और मैंने अभी तक ना इतने मतलब इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक पार्लर में बाल नहीं कटवाया। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने कि पार्लर में अपने बालों की कटिंग नहीं करवाई होंगी, लेकिन मैंने नहीं करवाई, सच बोल रही हूँ मैं। बस मैं जब बालों में स्मूदनिंग करवाई थी ना, तो उस टाइम ही हल्की सी जो मतलब ऐसी कैंची से कट क्लक करी करा था उन्होंने, बस उस टाइम बोल रहे थे कटिंग करने के लिए, लेकिन मुझे अपने बालों की लेंथ कम नहीं करनी थी, इसलिए मैंने कटिंग नहीं करवाई थी। और अब ऐसे ही पार्लर में मुझे 200-250 रुपये फालतू में ही लगते हैं। अगर आपके बाल अच्छे हो ना, तो बिना कोई कटिंग ना भी करवाओ ना, फिर भी अच्छे लगेंगे बाल। अगर अब अच्छे बाल नहीं हो और कोई सी भी कटिंग करवा लो तो कोई वो नहीं है ना। तो आप लोग बताइएगा मेरे बाल कैसे लग रहे हैं अभी, मैंने खुद ही स्ट्रेट कर लिया है, बट जैसा भी है ना, कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 रुपये तो लग ही जाते हैं। मुझे इन सब चीज़ों पर खर्च करने में ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों बहुत वो लगता है, मुझे ये सब फालतू का खर्च लगता है। तो यहाँ पर बालों को मैंने कंघी कर लिया है और बाल सुलझा लिया है, और पीछे मैंने बनाना क्लेचर लगाया है। मेरे पास एक और बनाना क्लेचर था, वो मेरा टूट चुका है, तो ये मेरी सिस्टर ने दिया था, वो है ये, तो और हेलो ये फ्रेंड, काफी अभी मैं आई पुराना हूँ है। मार्केट से सब्जी लेकर और दिखाती हूँ मैं क्या क्या सब्जी लेकर आई। तो इस सीजन की एक नई सब्जी है जो कि घर में सबकी फेवरेट है, ये सहजन की फली जो कि सबकी फेवरेट है, मेरी हस्बैंड की, बाबू की, हम लोग सब खाते हैं। और इधर है अमरूद, तो यहाँ ऐसा ही अमरूद, अमरूद के पीछे मैं इतनी पागल हूँ कि जब यहाँ पे मतलब ऐसे सूखा सूखा सड़ा सड़ा सा अमरूद मिल रहा है वो भी मैं लेकर आ गई, क्या करूँ, मिलती नहीं है अमरूद। और ये बैंगन लाई हूँ पकाने के लिए। अंशु ये जाली देना बेटा, दही जम गया क्या? हाँ जम तो क्या आया, दही दही जम गया यहाँ पे, जूझा बना ये जाली जाली दोनों। तो अभी मैं यहाँ पर पकाऊंगी। अरे ये जाली नहीं बेटा, वो बैंगन पकाने वाला, वो वाला ऊपर वाला। टमाटर, बैंगन, सब कुछ पकाऊंगी, आलू भी, हस्बैंड जी का कहना है आलू भी पकाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं सब्जी लेकर आई थी, तो आई हूँ तो वही मैं दिखा रही हूँ जैसा कि आप देख ही रहे। फिर मैंने वॉइस को बंद कर दिया और मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, क्योंकि मार्केट में मैं बहुत दूर दूर तक घूम घाम के आई हूँ, मुझे काम था, वो मेरा काम हुआ भी नहीं, अब कल फिर वापस से जाऊँगी तो फिर बताऊँगी। तो मैं यहाँ पर स्वेटर उतार रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि पसीना पसीना हो गया है, और क्योंकि आज इतनी ठंड है नहीं, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मुझे, मैं स्वेटर पहन रही हूँ, स्वेटर पहनने वाली ठंड है नहीं। मार्केट में बहुत से कम लोग स्वेटर पहन रखे थे, तो मुझे शर्म और आ रही थी, बट कोई नहीं, अपनी सेहत देखने ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर सारी सब्जियों को निकाल निकाल कर रख रही हूँ, और मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है इतनी सब्जियों में, किसको कहाँ रखना है, मुझे सबको भी सही करके रखना है, धनिया पत्ती वगैरह है ना सबको, मैं आपको पता ही है मैं सबको मतलब फ्रिज में करके स्टोर करके रखती हूँ, तो बॉक्स में कर करके मैं रखती हूँ सबको, धो के तोड़ ओड़ के जो भी रखना होता है। तो धनिया की पत्ती साफ़ करनी है, और ये रसभरी है, तो अभी मार्केट में रसभरी बहुत मतलब ये बहुत तो नहीं आ रहा है, एक या दो फल वालों के पास ही मिलती है मुझे, तो मुझे पता है एक के पास मिलती है, तो मैं वहीं से लेकर आती हूँ। मैं जब जाती हूँ मार्केट, जब मैं लेकर आती हूँ
बस आज मेरा लेने का मूड नहीं था, लेकिन वही है ना, जहाँ से हम लेते रहते हैं ना सामान, तो उनको भी पता होता है कि ये चीज़ लेती है, तो उन्होंने मुझे टोक दिया कि आप ये ले लो, तो ये लोगे नहीं रस भरे। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, तो मैं 250 ग्राम ही लेकर आई हूँ। 3-4 हस्बैंड को नीचे शॉप में दे दिया, और यहाँ बाकी को मैं छील के रख देती हूँ, इसका छिलका उतार के मुझे बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा लगता है ना, तो मुझे बहुत पसंद है ये, हस्बैंड को भी पसंद है। तो और सारे को छिलके को हटा हटा के मैं रख रही हूँ। और आज मैं सहजन की फली तो मैंने दिखाई दिया, तो ये मैं सुबह बनाऊँगी, तो इसको भी काट के आज ही रख लूँगी। और ये अमरूद है, अब क्या बताऊँ आपको, इतने सूखे सूखे सड़े सड़े से अमरूद, जो कि मैं कभी खाती नहीं थी ऐसे अमरूद, बासी अमरूद को, लेकिन आज वही है ना, जब जो चीज़ नहीं मिलती है ना, तो उसकी अहमियत पता चलती है। यहाँ पर अमरूद की तो ऐसी किल्लत है ना, अमरूद पता नहीं किस सीज़न में मिलेगा, मिलेगा मुझे अमरूद, तो बस ये सूखे पूखे से अमरूद थे, वो भी मुझे 30 रुपये किलो मिला, फिर भी मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, मुझे पसंद है। तो यहाँ पर टमाटर पकने के लिए रख देती हूँ, साथ के साथ टमाटर ही पक जाएगा। और आज डिनर में क्या बनाऊँगी ये मैं बताऊँगी आपको बाद में, ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। देखती हूँ मैं रेसिपी के शूट कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज नहीं है, तो वीडियो बन नहीं पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो बना पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डिनर नहीं, उस टाइम डिनर हो गया है, और डिनर मेरा सब हो गया। मैंने कुछ उसके बाद मैंने वो सब्जी वगैरह मैंने निकाल के रख रही थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो डिनर में आज बनाई हूँ मैं लिट्टी और चोखा, खा पी के थोड़ा सा रह गया, 3-4 लिट्टी रह गई, तो मैंने फ्रिज में रख दिया उसको। और अभी मैं थोड़ी सी चाय, यहाँ पर इतनी सी चाय वही मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाय पीऊँगी फिर सोऊँगी। मुझे वीडियो को भी एंड करना था, क्योंकि मैंने वीडियो शुरू किया है, एंड नहीं किया था, इतना सोचा वीडियो को मतलब एंड कर लेते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू माई फैमिली। मुझे ऐसे आप लोग प्यार करिए, सपोर्ट करिए, और जो फेसबुक पेज पे मैं अपने ब्लॉग डालती हूँ, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और गुड नाइट, क्योंकि सब लोग सो गए हैं, लाइट भी ऑफ हो गई है, बाबू भी सो गया है, हस्बैंड भी सो गए हैं, मैं बस चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं भी सोऊँगी, क्योंकि बहुत 11:30 हो गए। खैर कल संडे है, तो कल थोड़ी सी लेट उठूँगी, तो चलेगा। चलिए बाय बाय।